दोस्तों, आज मैं आप लोगों को SDH के बारे में बताने जा रहा हूँ। SDH होता क्या है? व्हाट इज SDH? सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि SDH का जो फुल नेम होता है वो सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की होता है। व्हाट इज SDH? इट इज ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इट इज सिंक्रोनस एंड फुली स्टैंडर्डाइज्ड विद हाई बैंडविड्थ फॉर सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस सिग्नल फॉर फ्यूचर ब्रॉडबैंड एंड न्यू सर्विसेज विद स्टैंडर्डाइज नेटवर्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटी विद ट्रैफिक प्रोटेक्शन विद फ्लेक्सिबल मल्टीप्लेक्सिंग स्ट्रक्चर डायरेक्ट एक्सेस टू ट्रिब्यूटरीज एंड क्रॉस कनेक्शन विदाउट डी मल्टीप्लेक्सिंग। अब आप ये सिंक्रोनस क्या होता है ये जानो। ऑल सिस्टम्स आर सिंक्रोनाइज विद ए मास्टर क्लॉक। ऑल क्लॉक मे बी आउट ऑफ फेज आउट रन एट सेम फ्रीक्वेंसी ऑल क्लॉक मे बी आउट ऑफ फेज बट रन एट सेम फ्रीक्वेंसी प्लीज सिंक्रोनस। ऑल सिस्टम्स क्लॉक्स रन एट द सेम फ्रीक्वेंसी विद द डिफाइंड प्रिसीजन एंड सिंक्रोनस एसिंक्रोनस। सिस्टम क्लॉक्स आर नॉट सिंक्रोनाइज TX एंड RX हैव इंडिपेंडेंट क्लॉक। STM फ्रेम यह SDH का बेसिक फ्रेम होता है। इसमें टोटल 270 कॉलम होते हैं। इस तरह 270 कॉलम होते हैं जिसमें से फर्स्ट 9 कॉलम सेक्शन ओवरहेड के लिए यूज होते हैं और 10 नंबर जो कॉलम होती है वो पाथ ओवरहेड POH पाथ ओवरहेड के लिए यूज होता है। इसमें इस टोटल फ्रेम में केवल 9 रो होते हैं। रो ये जो है ना, ये आपका ये रो है, ये 9 रो है टोटल। इसमें से ऊपर के 3 रीजनरेटर सेक्शन ओवरहेड होता है और नीचे का जो 6 होते हैं, सॉरी 5, नीचे के जो 5 होते हैं ये मल्टीप्लेक्स सेक्शन ओवरहेड होते हैं। इसको शॉर्टकट में हम MSOH और इसे हम RSOH बोलते हैं। जो 4 नंबर जो रो होती है ना, ये AU पॉइंटर के लिए यूज होता है। बाकी बचे मतलब ये 9 रो और 9 कॉलम को छोड़ करके ये जो बचता है इसे हम कंटेनर बोलते हैं। इसी में हमारा जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, इसी में होती है, जिसे हम पेलोड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो टाइम पीरियड होता है ना इस फ्रेम का हमारा, वो 125 माइक्रोसेकंड होता है। जो टाइम पीरियड होता है 125 माइक्रोसेकंड होता है। जैसे देखो रो बाय इसका जो टाइम पीरियड है ना, ये 125 माइक्रोसेकंड होता है। और इसका जो ट्रांसमिशन होगा ना, जब भी इस फ्रेम का ट्रांसमिशन होता है स्टीम फ्रेम का, वो रो बाय रो, पहला रो गया, फिर दूसरा रो गया, तीसरा रो, चौथा, पांचवा, फिर लास्ट में 9वां रो जाएगा। ऐसे रो बाय रो होता है ये। और प्रत्येक बाइट का जो रिप्रेजेंट होता है वो 64 kbps होती है। उसकी जो कैपेसिटी होती है ना प्रत्येक बाइट की, वो 64 kbps होती है। तो इस तरह से
जो टोटल बाइट हो जाती है इसमें जो टोटल बाइट हो जाती है, चूंकि 270 कॉलम है और 9 रो है, ये 9 रो और 270 कॉलम, तो इन सभी को अगर कैलकुलेट करके हम निकालें तो होता है 270 × 9 इक्वल टू होगा 2430 बाइट हो जाएंगे, ये हमारे ये टोटल बाइट हो जाएंगे, 2430 बाइट होते हैं। अगर कोई पूछ दे कि बिट्स कितने होते हैं, तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा बिट्स होगा। तो 2430 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू हो जाएगा 19,440, ये हमारा बिट्स हो जाएंगे। यही हमारा STM फ्रेम का स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन थी। अधिक जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें।